लगाई, मीम्स बनाई, तो अपन पब्लिक को हंसाने के लिए बैठे भाई। पब्लिक अगर अपने से खुश हो रही है, उन लोगों को मजा आ रहा है, उन लोग रैप कर रहा हूँ, विशाल लवकेश शिवानी के साथ मेरी टसन। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिग बॉस OTT 3 खत्म हो चुका है, और होने के बाद फिर निजी पहली बार इंस्टाग्राम पर आए और उन्होंने क्या कुछ बोला, चलिए मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ। ढेर सारा प्यार नेजी द बा इन द हाउस बॉय, बिग बॉस OTT सीजन 3 में फुल मचाते हुए अपना सीजन, अपनी जर्नी कुछ ऐसी रही कि शुरुआत में मैं घबराया, मैंने सोचा कि मेरा दोस्त बन पाएगा कि नहीं कोई, सबका अलग अलग वाइब था, कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैं अकेला रहता था, चुपचाप रहता था, शांत रहता था, जब मतलब जब कुछ काम रहता था, जब कुछ अच्छा बोलने का रहता था, जब ज़रूरत रहती थी कभी चुप रहता था कभी बोलता था, मेरे मन में जो आया मैं किया, जैसा रहने का था रहा। पब्लिक ने बहुत एलिगेशंस लगाई, मीम्स बनाई, तो अपन पब्लिक को हंसाने के लिए बैठे भाई। पब्लिक अगर अपने से खुश हो रही है, उन लोगों को मज़ा आ रहा है, उन लोग अगर इंजॉय कर रहे हैं, तो अपना काम ही है एंटरटेनमेंट का, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा खौफ में रहने का, अल्लाह से डरने का, अपने काम हमेशा नेक दिल से साफ नीयत से रखने का, करने का। मेरी नीयत साफ थी, मैं यहाँ तक पहुँचा, लोगों का दिल जीता, मेरे लिए यही एक विनिंग मोमेंट है, और मुझे कुछ इज्जत दी गई, मुझे इतने आगे तक गेम में, शो में लोगों ने रखा, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन गॉसिप्स और झगड़े लड़ाई और यू नो घर के बारे में बात करना, ये सब तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो अंदर कुछ और मकसद से गया था, और उस मकसद में मैं काफ़ी कामयाब हुआ हूँ। मुझे रिप्रेजेंट करना था अपने हुड को, अपनी फैमिली को, अपने देश को, और एक ऐसी पर्सनालिटी का इजहार करने का था जो बहुत रियल और ओरिजिनल है, जेन्युइन है। तो मैं इसलिए जानबूझ के थोड़ा शांत भी रहा, मैं यूजुअली बहुत काम नहीं रहता हूँ, कूल नहीं रहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अंदर मैं थोड़ा अलग था, मैं थोड़ा लेड बैक वे में काम कर रहा था, थोड़ा धैर्य से, थोड़ी शांति से। तो मैंने अपना वक्त ऐसे बिताया, मैंने खाना बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को मेरे हाथ का टेस्ट पसंद आया, मुझे नई नई चीज़ सीखने को मिली, मुझे पता चला दोस्ती कैसी होती है, रिलेशंस कैसे होते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में, कि कौन कब कैसे पलट सकता है, कौन अपना साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ट्रस्ट के बारे में, फेथ के बारे में, प्यार के बारे में, दोस्ती के बारे में, मुझे बहुत कुछ पता चला। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरा, सबसे अलग, समझ रहे हो, दूसरे लोग कुछ और कर रहे थे, मैं कुछ और कर रहा था, तो मैं फटे ट्रिप व्रिप भी कर रहा हूँ, आसमानों में देख रहा हूँ, लोगों को टाइम टाइम एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, करेक्ट टाइम बता रहा हूँ, अपने जोन में हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, सना सुल्तान के साथ रैप कर रहा हूँ, सना मकबूल के साथ रैप कर रहा हूँ, विशाल लवकेश शिवानी के साथ मेरी टसन चालू है, वो मुझ पर हंस रही है, मैं उसकी फिल्म ले रहा हूँ, अदनान भाई आए, अदनान भाई के साथ फुल मचाया, अरमान भाई पे थोड़ा गुस्सा किया, थोड़ा उनको इज्जत भी दी, और बाकी सबके साथ भी मैं अच्छे से रहा। रणवीर भाई अपने मुझे बा बा बोलते, इतनी रिस्पेक्ट करते, इतना टैलेंटेड समझते, उन्होंने इतना कुछ मुझे समझाया सिखाया, मेरे साथ रहे, पूरा वक्त मेरे साथ रहे, आखिर तक उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, बहुत अच्छी जर्नी रही। आई लव यू गाइस। नया गाना बहुत जल्द आने वाला है, मचाते हैं फिर क्या। गाइस वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर से बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।